रेल्हा थाना क्षेत्र के खरपुरा की रहने वाली सरिता कुमारी के दिनांक 22 अक्टूबर को रात 2 बजे प्रसव पीड़ा उठने पर जयप्रकाश नारायण अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने कहा कि मगध मेडिकल अस्पताल लेकर जाइए। तभी आशा पे की कुमारी अपने पहचान के डॉक्टर मंजू सिंह के नर्सिंग होम में डिलीवरी के लिए ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने डिलीवरी करवाते हुए कहा कि बच्चे का हाथ तोड़ दिया है और नर्सिंग होम में डिलीवरी के चार्ज के रूप में 10,720 फोन पे के द्वारा और 5,000 नगद वसूला गया। इसके बाद मरीज को किसी भी प्रकार का बिल या डिस्चार्ज पेपर कुछ भी नहीं दिया गया और परिजन द्वारा पेपर मांगने पर वहां के डॉक्टर और कंपाउंडर मरीज के परिजन रविंद्र शर्मा को डांट कर भगा दिया गया। अब रविंद्र शर्मा कोतवाली थाना में डॉक्टर मंजू सिंह के खिलाफ लिखित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगा रहे हैं। क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ यह हुआ कि मेरी मैडम का डिलीवरी था, तो 22 तारीख को 22-10 को तो पिलग्रिम हॉस्पिटल लेके आया। डिलीवरी कहाँ करवाए? डिलीवरी हुआ मतलब प्राइवेट नर्सिंग होम है। हाँ, कहाँ का? कोई मतलब बोर्ड वोट कुछ भी नहीं। कहाँ नर्सिंग होम है? क्या नाम है डॉक्टर का? डॉक्टर का नाम है मंजू कुमारी सिंह। हाँ, तो वहाँ रात में डिलीवरी हुआ? रात में डिलीवरी हुआ। हाँ, दो ढाई बजे समथिंग में। हाँ, उसी के अंतराल में हम तो बाहर थे, उसी के अंतराल में कंपाउंडर और नर्स काफी उसको पेट चाप कर और बच्चों को खींच कर किसी तरीका से हाथ उसको तोड़ दिया। ठीक है, हाथ डिस्चार्ज पेपर मांगने लगा। कौन सा हाथ टूटा है? बायां हाथ टूटा है। ठीक है, जब डिस्चार्ज पेपर मांगने लगा, ब्लड जांच का रिपोर्ट मांगने लगा, तो बोला कि कुछ भी नहीं देगा, जाओ यहाँ से, जो करना है। पैसा लिया था वहाँ? पैसा लिया था। कितना पैसा पेमेंट किए थे कंपाउंडर रघु कुमार नाम है उसको, उसको 10,700 रुपये पेमेंट किए थे फोन पे, 5,000 कैश दिए दवाई के लिए। रिपोर्ट नहीं मिला? रिपोर्ट नहीं मिला। अब मांगे रिपोर्ट तो क्या बोला? रिपोर्ट मांगे तो बोला कि रिपोर्ट वर्ड कुछ नहीं मिलेगा, जो आपको करना है उसके लिए हम समझ गए। अभी यहाँ कोतवाली थाना क्यों आए हैं? कोतवाली थाना इसलिए आए कि थाना थोड़ा मदद सहयोग मांगे। आवेदन लिखित आवेदन देने के लिए आए हैं? देने के लिए आए हैं। चलिए, यहाँ पे आप लिखित आवेदन देने के लिए आए हैं,